नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप सब लोगों के सामने एक बार फिर एक विचित्र और अद्भुत मंत्र के विषय में बताता हूं। सुना तो होगा आप लोगों ने, लेकिन उसकी कुछ ऐसी बारीक रहस्यमय बातें हैं जो शायद नहीं सुनी हो। उस विषय में मैं आपको बताता हूं, और वह मंत्र सभी जानते हैं, लगभग वह गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, 3 ब्राह्मीयां हैं, ये सब मिलाकर 24 अक्षर है। इसलिए इसका 24 बार, 2400 बार, 24,000 बार या 24 लाख बार मंत्र का पाठ जाप करना चाहिए, जिससे यह सिद्धि और सफलता प्रदान करता है। वैसे तो ये मंत्र पुराणों शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के लिए बताया गया है, लेकिन यह मंत्र जो भी करेगा उसको ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है, यह है उसका रहस्य। क्षत्रिय व्यक्ति इस मंत्र का जाप करे, पाठ करे, तो वह निश्चित ही ब्रह्म ऋषि हो जाता है। यह पूर्व में भी अपन शास्त्रों वेदों में सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। महर्षि वाल्मीकि क्षत्रिय थे, गायत्री मंत्र का आश्रय लेकर वह ब्रह्म ऋषि हो गए। ब्रह्म ऋषि जिसने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो वह ब्रह्म ऋषि। तो ऐसा अद्भुत और रहस्य वाला मंत्र गायत्री मंत्र है, जिसके द्वारा आप अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। अपनी जो भी कामनाएं हैं उसकी पूर्ति एकमात्र गायत्री मंत्र ही कर सकता है। विदेशों में भी वैज्ञानिकों ने इस मंत्र के पावर की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यह कितना पावरफुल है, किसी विदेशी वैज्ञानिक ने इस पर प्रयोग रिसर्च किया, एक बंद कमरे में जिसके दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दी, और उसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए कोई यंत्र रखा, जिससे गायत्री मंत्र सतत लगातार बजता रहे। कुछ ही समय बाद उन्होंने देखा कि उस बंद कमरे की दीवारों में दरारें पड़ गई, कारण गायत्री मंत्र की शक्ति का। गायत्री मंत्र के शब्दों का ऐसा चयन किया गया है जिसमें कि एक एक शब्द में बहुत पावर है। अब आपको एक और भी आश्चर्यजनक बात, जो आप लोगों ने नहीं सुनी होगी और ना ही देखी होगी, जो स्वयं आप अनुभव करिएगा। आप गायत्री मंत्र बोलिए, अपने सिर पर हाथ रखें। योग वाले जानते हैं इस चीज को कि हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, 7वां चक्र भी सहस्त्रार कहलाता है, जो हमारे इस सिर के ऊपर बीच भाग में ब्रह्मांड के नाम से सहस्त्रार चक्र कहलाता है, रहता है। तो आप ये अपना हाथ रखें और गायत्री मंत्र का उच्चारण करिएगा, आपको अपने हाथ में वह स्पंदन महसूस होगा। वैसे तो कोई भी बात आप मुख से निकालेंगे, बोलेंगे, उसका स्पंदन वहां पर होगा, लेकिन गायत्री मंत्र का आप जाप करें और सिर पर हाथ रखकर देखें तो आपको महसूस होगा कि वह किस पावर में किस स्थान को जागृत करता है। ये आप स्वयं अपने से अनुभव कर सकते हैं। ये मैं आपको एक रहस्य गुप्त बात बताई, जो आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। देख लीजिएगा करके, यदि नहीं हो तो फिर
हमसे बात करें। तो ओम भूर भुवः स्वयः तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वयः तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को आप जाप करें, अपने सिर पर हाथ रखें और देखिएगा। तो दोस्तों, यह मैंने आपको गायत्री मंत्र के विषय में बताया। इसका पुरस्चरण, लघु पुरस्चरण 24,000 मंत्र का होता है। और एक बात और सुन लीजिए, निश्चित रूप से यह गायत्री मंत्र आपकी वाणी को सिद्ध करने वाला है। यह मेरा अनुभव है स्वयं का। 1,25,000 गायत्री मंत्र आप एक निश्चित समय में विधि विधान के अनुसार करिएगा, आप देख लेंगे 1,25,000 गायत्री मंत्र का प्रभाव। वह गायत्री माता की कृपा से, आपके मुख से, आपकी वाणी से जो शब्द निकलेंगे वो सत्य और सिद्ध होंगे। ये मेरा स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव है। तो दोस्तों, ये गायत्री मंत्र के विषय में आपको मैंने जानकारी दी, आप इसको करिएगा। और भी अपने साथ में, अपने घर परिवार में सभी सदस्यों से इसको करवाइएगा। कम से कम प्रत्येक सदस्य 21-24 बार गायत्री मंत्र का जाप करें तो अच्छा रहेगा। और यदि एक माला आप करते हैं तो और भी अच्छा है। जो अधिक से अधिक करेगा उसके लिए उतना ही लाभकारी होगा। और इससे विचारों में परिवर्तन आना, परिस्थितियों में परिवर्तन आना, ये सब इस गायत्री मंत्र की अद्भुत क्षमता का ही प्रभाव है। आज के इस समय में हम लोगों को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और सामूहिक रूप से यदि घर परिवार में सदस्य इकट्ठे होकर इसको करते हैं तो उसका एक अलग ही प्रभाव बनता है, सकारात्मकता बनती है इससे। और सभी को इसका लाभ होगा, आसपास के वातावरण में इससे लाभ होगा। तो दोस्तों, ये गायत्री मंत्र के विषय में जानकारी मैंने आपको स्वयं के अनुभव की दी। आपको अच्छी लगे, कोई यदि इसमें शंका लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब दूसरी बात और सुनिएगा, आज ही के दिन वह फिर माता दुर्गा देवी की महिमा का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती में माता जी के 32 नाम की एक माला दी गई, दुर्गा द्वात्री सन्नाम माला। देखिएगा दुर्गा सप्तशती में पीछे, यह भी एक बहुत ही विचित्र और अद्भुत नाम माला है। पूर्व में एक समय देवताओं ने विविध पुष्पों आदि से, उपचार से मां दुर्गा की पूजन की, उससे वह प्रसन्न होकर देवताओं से प्रकट होकर सामने बोली कि देवताओं, मैं तुम्हारी इस पूजा से अति प्रसन्न हूं और इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूं कि मुझसे जो भी आपको अभिलाषा हो वह वर मांग लीजिएगा। देवता बोले कि मां, आपने महिषासुर जैसे राक्षस का वध करके तीनों लोगों को संकट से मुक्त किया और हमें अपने पदों की पुनः प्राप्ति करवाई, इसलिए आपसे अब हमारी कोई भी अभिलाषा नहीं है। फिर भी आप यदि हमसे बोल रही हैं, कह रही हैं, तो हम आपसे एक वर मांगते हैं कि विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य ऐसा कौन सा उपाय करे जिससे उसे तत्काल उस विपत्ति से मुक्ति मिले। देवी दुर्गा बोली कि हे देवताओं, तुम्हारी पूजन से प्रसन्न होकर मैं उस अद्भुत रहस्य रूप बात को बतलाती हूं। वह मेरे 32 नाम हैं जिनके पाठ मात्र से
मनुष्य किसी भी विपत्ति से पूर्ण रूप से बाहर आ जाता है और सुरक्षित रहता है, उसे किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। ये स्वयं दुर्गा देवी देवताओं से बोल रही हैं, इसमें संशय नहीं। किसी भी महाविपत्ति, महामारी हो, महारोग हो, कोई संकट हो, किसी बंधन में यदि पड़ा है, वह व्यक्ति भी मेरे इन 32 नामों का आश्रय लेगा, सहारा लेगा, वह निश्चित रूप से उस समस्या से बाहर आ जाएगा। ये स्वयं दुर्गा देवी देवताओं से बोल रही हैं, इसलिए इसमें कोई भी संशय करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ विधि विधान जो होना चाहिए उसके अनुसार आप करेंगे तो इन 32 नामों का जो फल है, जो दिया है दुर्गा सप्तशती में, जो माता दुर्गा देवी ने स्वयं बोला है, वह सब आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस विषम परिस्थितियों में, वर्तमान में जो चल रही है समस्या, संकट चल रहा है, इस संकट से उबरने के लिए, उस महामारी को दूर करने के लिए, यदि ये मेरा स्वयं निश्चित रूप से कहना है कि यदि सामूहिक रूप से इन 32 नामों का 32,000 बार हम सब मिलकर यदि पाठ करते हैं तो उस महामारी से हम लोग निश्चित रूप से निकल जाएंगे, उस महामारी पर हमारी विजय होगी। यही मेरा आप सब लोगों से कहना है। यदि आपको कुछ पूछना, कुछ कोई शंका हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि जो जहां है वहां इस 32 नामों का पाठ करें, और कुछ नहीं तो कम से कम 32 बार पाठ कर लिया जाए। एक हमारी योजना है, वहां हम आपको बाद में बताएंगे। कुछ समय बाद यदि वो सफल माता जी की कृपा से हुई तो इन 32 नामों का पाठ 32,000 बार किसी एक स्थान पर करेंगे। इसी निवेदन के साथ नमस्कार, जय माता दी।